फर्जी क्रीडा प्रमाण पत्र घोटाले में मानकापुर पुलिस ने औरंगाबाद से घोटाले के सूत्रधार सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सूत्रधार के घर से पुलिस के स्टिकर लगी दो लग्जरी कार और डंडे मिले हैं। इससे उसके फर्जी पुलिस बन वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका निर्माण हुई। आरोपी अंकुश राठौर और भावसाब बांगर है। ज्ञात हो कि फर्जी क्रीड़ा प्रमाण पत्र बनाकर लोगों को क्रीड़ा कोटे से सरकारी नौकरी लगाए जाने के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस के उप संचालक अविनाश पुंड की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। इस घोटाले में 14 अक्टूबर को सेवानिवृत्त क्रीड़ा उप संचालक सुभाष रेवतकर और क्रीड़ा अधिकारी महेश पड़ोले को गिरफ्तार किया गया है। रेवतकर के घर से महाराष्ट्र शासन लिखी हुई निजी कार और लाल बत्तियां मिलने से खलबली मच गई थी। दोनों 26 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में हैं। उनसे पूछताछ में औरंगाबाद निवासी अंकुश राठौड़ और भाऊ साहब बंगार के लिप्त होने का पता चला। मानकापुर थाने के जांच अधिकारी कृष्णा शिंदे ने कर्मचारी संतोष राठौड़, राजेश वराठी, रघुजी चिनघर, मिलिंद नासरे तथा हितेश फरकुंडे की मदद से आज दोनों के घर पर दाबिश दी। उन्हें हिरासत में ले लिया गया। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने में राठौड़ की अहम भूमिका है। पुलिस ने जब राठौड़ के घर की तलाशी ली तो दो कार मिली। उन पर पुलिस के स्टिकर लगे हुए थे। कार की तलाशी लेने पर पुलिस कर्मियों के डंडे और अन्य आपत्तिजनक सामान भी मिला। इस प्रकरण में पहले रत्नागिरी के क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र सावंत और उसके भाई संजय सावंत को गिरफ्तार किया गया है। संजय का PSI के पद पर चयन भी हो गया था। इस प्रकरण में भाऊ साहेब बांगर, पांडुरंग बारकदे, कृष्णा जयभाए तथा पतंगे नामक आरोपी भी लिप्त है। पांडुरंग बारकदे गुरुवार को गिरफ्तार भाऊ साहेब का जीजा है। विदर्भ पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर श्रीकांत वरनकर ने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, उसे अदालत ने रद्द कर दिया है। काल औरंगाबादला दोन लोकांना अटक करण्यात आले। पुन्हा अंकुश राठोड आणि भाऊसाहेब बांगर। अंकुश राठोड हा बोगस प्रमाणपत्र बनव म्हणजे बोगस क्रीडा प्रमाणपत्र बनवतो आणि त्याचे प्रस्ताव अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेतो। तसंच ह्या भाऊसाहेब बांगर हा बारगजे एक शिक्षक आहे झेडपीमध्ये, त्यांचा साया आहे औरंगाबादला आणि तो सुद्धा हे बोगस डॉक्युमेंट बनवण्याच्या कामात आहे। त्याने स्वतःचंच एक बोगस डॉक्युमेंट बनवून जेलच्या भरतीमध्ये त्यांना वापरलेलं होतं, हे सुद्धा आपण प्राप्त केलेलं आहे। बारगजेशिवाय याच्यामध्ये बरेच लोक फरार आहेत। सुब्रतात एक सुब्रतो दत्ता म्हणून आहे, कृष्णा जायबाई आहे, पांडुरंग बारगजे हा शिक्षक आहे, हा सुद्धा फरार आहे। त्याच्या अगोदर एक शंकर माई, पवन अशोक पाटील हे सुद्धा याच्यामध्ये फरार आहे। त्यांचा जर रोल निष्पन्न झाला त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई होईल, त्याच्यात काही प्रश्नच नाही आहे। आणि याच्या अगोदर आपण अटक केलेलं आहे, डेप्युटी डायरेक्टर वगैरे क्रीडा अधिकारी सुद्धा अटक केले अजून PCR मध्ये आपल्या नागपूरचे, कारण याच्यामध्ये बरेचसे लोक गुंतलेले आहे आणि 100 च्या वर असे बोगस प्रमाणपत्र बनवलेले गेलेले आहे। पॉवर लिफ्टिंग आहे, ट्रॅम्पोलिंग आहे, पॉवर लिफ्टिंग ट्रॅम्पोलिंग हे दोन प्रकारचे सर्टिफिकेट जास्तीत जास्त बनवण्यात आलेले आहे।